सभी बालदेवों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक चौथी कक्षा के यूनिट 6 की एक कहानी सुनाऊंगी, तो आप गौर से सुनिएगा। इस कहानी का शीर्षक है टपका का डर। इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। वह मन ही मन झुंझला रही है। बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या, छप्पर को छाए कौन। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे, बेर बराबर ओले। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था टप टप। वह झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती, मगर टपका से डरती है। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। आभार। તમારા મિત્રોને શેર કરો અને આવા વધુ વિડીયો જોવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। થેન્ક યુ।